मैं जब भी अपने पापा के साथ यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे थोड़े दिन, मैं पहले पापा के साथ खेलता भी था, तो जब मैं यहाँ पे आया और आज़ाद मैदान गया, मैं वहाँ खेलना स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया। फाइनेंशियली मैं इतना अच्छा नहीं था, मैं पहले दूध की डेयरी में रहता था क्योंकि जहाँ मेरे चाचा के पापा रुकाए थे वहाँ पे उतनी जगह नहीं थी कि मैं वहाँ रह पाता, तो मैं दूध की डेयरी में रहने लगा। तो जब भी वहाँ पे रहता था तो वहाँ पे मतलब ऐसा था कि मुझे काम करना होगा और फिर मैं वहाँ पे रह सकता हूँ, यहाँ पे नहीं रह सकता, तू तू कुछ करता नहीं है। तो उन्होंने एक दिन सडनली मेरा सामान बाहर निकाल दिया। एक मैच मिला जिसमें बोले कि अगर उसमें परफॉर्म करेगा तो तुझे टेंट में रहने मिल जाएगा। इसका स्ट्रगल जो था वो मुझे बहुत स्पेशल लगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि स्किल बहुत लोगों के पास होता है लेकिन एटीट्यूड सबके पास नहीं होता। तो आई हैव पाउंस्ड ऑन एन इंटरव्यू ऑफ यशस्वी जायसवाल जो मैंने किया था काफ़ी टाइम पहले। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट कन्वर्सेशन था मेरा यशस्वी जायसवाल के साथ बिफोर ही बिकेम अ सुपरस्टार। उसकी लाइफ में चला गया था मैं बहुत जानने के लिए कि एग्जैक्टली कैसे उसने स्ट्रगल किया मुंबई में आने के बाद, कैसे क्रिकेट में आया, क्यों आया क्रिकेट में, और साथ साथ राजस्थान रॉयल्स के लिए सेलेक्ट भी नहीं हुआ था, इंडिया अंडर 19 खेला भी नहीं था। तो वो दिल से कहानी, उसके दिल से सारी बातें निकली और इमोशनल वो खुद भी हो गया था और मुझे भी थोड़ा तरस आ गया था देखकर, सुनकर बहुत सारी चीज़ें उसने जो भी कहा। तो ये कॉन्वर्सेशन वही है, चलिए देखिए, दिल से निकली सारी बातें उसके। तो आई थिंक यू शुड वॉच इट, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो कर लीजिए। क्रिकेट की बातें, स्पोर्ट्स की बातें, बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली है, सब्सक्राइब करिए। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं यशस्वी से, पुराने यशस्वी से। अभी का यशस्वी तो एकदम ही अलग है, पुराना यशस्वी कैसा था देखिए। कॉन्ग्रेट्स, पहले तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और पहले आप बताइए कि यार ये बैट देख रहे हैं इसमें स्प्रिंग तो नहीं है? नहीं, स्प्रिंग नहीं है सर। डबल 100 जो मारा विजय हजारी ट्रॉफी में, मैं बस एक बॉल पे ध्यान दे रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं कितना कितना लंबा खेल सकूं इनिंग, और जब भी मैं सेट हो जाऊंगा तो मुझे रन इजीली आएंगे। तो मैं वही कोशिश कर रहा था कि मैं पहले जो स्पेल हो अच्छा बॉलर का, जो अच्छा स्पेल है वो खेल के निकालूं, बाद में विकेट जब सेटल हो जाएगा तो मुझे इजीली रन आने लगेंगे। एक मुंबई स्टेट को रिप्रेजेंट करना और उसके लिए सेंचुरी बनाना वो एक बहुत ही अच्छा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और थैंक यू गॉड उसके लिए। और बस मुझे ऐसे ही मेहनत करते रहना और अच्छा अपना क्रिकेट अच्छा इम्प्रूव करना। फॉर्म को लेकर क्या कहेंगे अभी? मुझे हर गेम में अच्छा स्टार्ट देना है अपनी टीम के लिए और मुझे अच्छा करना है, यही मेरे दिमाग में था। तो एक अच्छा मोटिवेशन है मेरे लिए, मैं अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ, अच्छा बड़ा टूर्नामेंट खेल रहा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वो खेलते हुए, और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी महसूस हो रहा था जब मैं अच्छा कर रहा था। तो मेरा यही है कि अभी मुझे ये बस स्टार्ट हुआ है, मुझे अभी और मेहनत करना है, बहुत अच्छा करना है आगे। तो उसके लिए मुझे प्रोसेस पे अच्छे से ध्यान देना है, जो हो गया सो हो गया, अभी मुझे आगे देखना है कि आगे मैं क्या और अच्छा कर सकता। यशस्वी का लाइफ स्ट्रगल से कम नहीं थी। ही केम फ्रॉम यूपी ऑल द वे टू मुंबई टू परस्यू क्रिकेट ड्रीम्स एंड इट वॉज नॉट ईजी। मैं जब भी अपने पापा के साथ यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे थोड़े दिन, मैं पहले पापा के साथ खेलता भी था, तो जब मैं यहाँ पे आया और आज़ाद मैदान गया, मैं वहाँ खेलना स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया। जिस और वहाँ पे एक पप्पू सर थे, उनके उनसे जब मिला तो बोले अच्छा खेलता है यहीं रुक जा। तो मैं पापा को बोल के यही कि मुझे यहाँ पर रुकना है और मुझे अच्छा करना है, तो मैं फिर यहाँ पर रुक गया और खेलना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे जब भी मैं अंजुमन के लिए खेलने लगा, उसके बाद स्कूल क्रिकेट जब खेलने लगा, तभी मेरा मतलब मुझे और अच्छा अच्छा चांस था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं। लेकिन उस टाइम इतना अच्छा मेरा फाइनेंशियली मैं इतना अच्छा नहीं था, मैं पहले दूध की डेयरी में रहता था क्योंकि जहां मेरे चाचा के पापा रुकाए थे वहां पे उतनी जगह नहीं थी कि मैं वहां रह पाता, तो मैं दूध की डेयरी में रहने लगा। तो जब भी वहां पे रहता था तो वहां पे मतलब ऐसा था कि मुझे काम करना होगा और फिर मैं वहां पे रह सकता हूँ।
तो थोड़े दिन स्टार्टिंग में मैं जब करता था तब वो लोग कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उसके बाद जब भी कुछ दिन बीते तो उन्होंने बोला कि जब मैं खेल के आता था थक जाता था कुछ काम नहीं करता था तो बोले कि अभी यहाँ पे नहीं रह सकता तू कुछ करता नहीं है। तो उन्होंने एक दिन सडनली मेरा सामान बाहर निकाल दिया। तो फिर मैं उसके बाद आज़ाद मैदान गया तो मैंने सर को कॉल किया, सर ऐसा ऐसा हो गया, मैंने घर पर बताया नहीं। तो सर बोले ठीक है एक मेरे घर पर आ जा। तो मैं कुछ दिन उनके घर पर था, एक डेढ़ महीने। उसके बाद वहाँ पे भी इतना जगह नहीं था कि मैं वहाँ पे रह पाता। फिर उसके बाद मुझे एक मैच मिला जिसमें बोले कि अगर उसमें परफॉर्म करेगा तो तुझे टेंट में रहने मिल जाएगा। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि टेंट मेरे लिए सब कुछ है, और तो मैं यही सोच के यही कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे भी टेंट में आ जाऊँ। जब मैं टेंट में गया तो वहाँ पे न लाइट थी, न बिजली थी, न ही अच्छा पानी था, न ही मतलब कुछ नहीं था वहाँ पे, न ही वॉशरूम थे, जैसे कि इतना आसान नहीं था वहाँ पे भी। पर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, मैं क्लियर था कि मुझे बस एक ही चीज़ करना है, क्रिकेट पे ध्यान देना है और मुझे क्रिकेट खेलना है। अच्छा तो लेकिन मुझे वहाँ पे इतना पैसा भी नहीं मिलता, पैसा भी नहीं था मेरे पास कि मैं अपना काम चला पाता था, इसलिए मैं पानीपुरी बेचने लगा वहाँ पे, तो जिससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाते थे तो मेरा काम चल जाता था। और बस ऐसे ही करते करते काफ़ी साल निकल गए। उसके बाद ज्वाला सर एक दिन मुझे मिले, जहाँ से मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई। तो फिर एक दिन सर ने मुझे बुलाया अपने घर पे कि तेरा क्या क्या है बेटा दिखाना। तो मैं जब उनको बताया कि हाँ सर मैं ऐसा ऐसा है, ऐसी ऐसी मतलब प्रॉब्लम है कि मैं मुझे खेलना है आगे पर मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, तो सर बोले ठीक है सर, इसीलिए मेरी सर को मैं पसंद आया। और सर बोले ठीक है आज से यहीं पर रुक जा, आगे से जो भी होगा तेरा मैं तेरा देखूंगा। तो वो एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जहाँ से कि मेरी लाइफ बदली। जब मैं सर से मिलने आ रहा था, मैं बस में बैठा था, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं तो उनको जानता भी नहीं। पर वो एक मेरा बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। तो अच्छा है अभी बस चल रहा है, मुझे और मेहनत करनी है। वो जो शिफ्ट था टू फाइव स्टार होटल्स, वो कैसा आप एडजस्ट कर पा रहे हैं और कैसा लग रहा है, मतलब जब आप जाते हैं तो आपको अपने मेमोरीज पीछे ही लेकर आते हैं? मुझे हाँ, वो जो मेरा बैग पीछे था वो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है और मैं काफ़ी अच्छा फील करता हूँ कि मैंने वैसी लाइफ जी और मैं बहुत इन्जॉय कर रहा था उस टाइम पे। और जब मैं आज फाइव स्टार होटल में जाता हूँ तब भी मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि मैं क्रिकेट पे कितना फोकस हूँ, बाकी सब मेरे लिए जो आजू बाजू है वो उतना मैटर नहीं करता जितना मेरे लिए क्रिकेट मैं कितना अच्छा खेल रहा हूँ वो मैटर करता है। तो मैं एकदम क्लियर हूँ कि हाँ मुझे जहाँ भी चांस मिले मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, और जब भी कहीं भी चांस मिलेगा तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपना बेस्ट दूँ। जो लोगों का सक्सेस देखते हैं बट उनके पीछे बहुत ही सीरियस हार्ड वर्क रहता है, तो वो किस तरह से वर्क करता है लाइफ अपने डे, कितना रूटीन रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डेली रूटीन कि आप क्या कैसे रहते हो, क्या खाते हो और क्या सोते हो। तो वो मैं बहुत ही फोकस होकर कोशिश करता हूँ कि मैं जितना फॉलो कर सकूँ करूँ, और मैं वही ट्राई करता हूँ। ज्वाला जी बताइए कि ये आपने जब स्पॉट किया तो स्पेशल क्या देखा? इसका स्ट्रगल जो था वो मुझे बहुत स्पेशल लगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि स्किल बहुत लोगों के पास होता है लेकिन एटीट्यूड सबके पास नहीं होता है उसको डिलीवर करने का। तो जब मैंने इसको 2013 में देखा आज़ाद मैदान पे खेलते हुए, और जब ये बाद में मुझे बताया कि ये, मैंने पूछा कहाँ रहते हो आप, तो बोला टेंट में रहता हूँ। तो एक्चुअल में जब वो टेंट वर्ड मेरे कान में गया तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतना छोटा बच्चा टेंट में कैसे रह सकता है। और फिर मैंने मैंने बोला कि तुमने क्या क्रिकेट वगैरह अभी तक खेला है, तो दो तीन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज थे लेकिन मुझे डाउट था कि इसने किया है कि नहीं किया है। तो मैंने इसको बोला तुम्हारा जो भी न्यूज़पेपर वगैरह में आया था ला के दिखाना, और मैंने फिर देखा, और ये फिर जो अपनी स्टोरीज बताने लगा कि मैं पहले डेयरी में था और ये सारी चीज़ें जब वो बताने लगा, तो बेसिकली फिर मुझे वो बड़ा सिमिलर सा लगा, क्योंकि मैं भी 1995 में ऐसे मुंबई क्रिकेट खेलने के लिए आया था, और मेरे घर वालों ने भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए कि दिल्ली चले जाओ, लेकिन मैंने मुंबई चुना क्योंकि मुझे लगता था कि मुंबई से अच्छी क्रिकेट कहीं पे नहीं है। और बिकॉज ऑफ एक अच्छा टैलेंट होने के बाद भी मैं स्ट्रीम पे नहीं जा पाया, जो लोगों का सपना होता है मेरा भी था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ तो करना है लाइफ में, क्रिकेट में ही करना है, और आपको भी पता है मैं क्रिकेट में कितना एक्टिव हूँ। तो जब इसने बताना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ मेरे जैसी चीज़ें हो रही हैं, और अगर इस लड़के को मैंने 100% बैक नहीं किया तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें चल रही थी कि लोग इसको मिसगाइड कर रहे थे, रॉन्ग एडवाइजेस दे रहे थे। तो वो सारी चीज़ें जब मुझे समझ में आई तो मैंने उसको बोला कि तुम अभी मेरे पास ही रहो। यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था तो पता चला कि यार ये इंटरव्यू काफ़ी 3-4 साल पुराना है। मुझे अच्छा लगा, आई थॉट आई विल पुट दिस ऑन माय चैनल और आप लोग को अच्छा लगेगा देखकर और
इंस्पिरेशन मिलेगी और साथ साथ थोड़ा पता भी चलेगा कि जेन्युइन यशस्वी कैसा है। अभी तो जब रिफाइंड यशस्वी देख रहे होंगे, मगर जो रॉ यशस्वी था वो कैसा था वो ये वीडियो में आपने देखा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी के लिए गुड बाय, जल्दी एक और नया वीडियो आने वाला है, सब्सक्राइब करिए।